वर्दी में शानदार ढंग से अपनी कक्षाओं की ओर मार्च करते ये कैडेट्स मैदान पर पूरी निष्ठा और जोश के साथ बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते ये युवा खिलाड़ी और कक्षा में बगुला की एकाग्रता लिए ज्ञान अर्जित करते ये छात्र आपको एक ऐसी असाधारण दुनिया की सैर पर ले जा रहे हैं जहां हर पहलू अद्वितीय है। Failure is simply an opportunity to begin again, but this time with more intelligence. 1962 में इंडिया-चाइना वॉर के बाद भारत सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि हमारे देश को ऐसे कैडेट की ऐसे ऑफिसर्स की आवश्यकता है जो रक्षा के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व कर सके। उसके बाद 1963 में देश भर में 33 सैनिक स्कूल्स की स्थापना की गई, जिसमें से 12वां सैनिक स्कूल तिलैया में स्थापित किया गया। 12 सितंबर 1963 में सैनिक स्कूल तिलैया की उसके बाद स्थापना हुई। 875 कैडेट्स और 140 स्टाफ मेंबर्स के साथ ये स्कूल भारत का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है और हर साल इंडिया में सबसे ज़्यादा कैडेट इसी स्कूल से चयनित किए जाते हैं। इस बार हम सैर करेंगे सैनिक स्कूल तिलैया की, निकल चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। सैनिक स्कूलों की स्थापना के पीछे की कहानी 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित अधिकारी दल की आवश्यकता से जुड़ी हुई है। युद्ध के दौरान भारत को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे युवाओं की एक नई पीढ़ी को तैयार करने की सख्त जरूरत है जो विशिष्टता के साथ देश की सेवा कर सके। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई। सैनिक स्कूल तिलैया देश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है और देश का ही बड़ा सबसे सैनिक स्कूल नहीं है, और जिस एम के लिए ये स्कूल बनाया गया है, जिसमें कि जो कैडेट्स हैं वो NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में ऑफिसर बने, तो हमारा ये एम भी पूरा करता है ये सैनिक स्कूल। ये सैनिक स्कूल तिलैया जो है, ये मैक्सिमम जो ऑफिसर्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में पूरे सैनिक स्कूल्स में से, देश के 33 सैनिक स्कूलों में से सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में सैनिक स्कूल तिलैया से ही गए हैं। सैनिक स्कूल तिलैया एक आवासीय विद्यालय है। सैनिक स्कूलों में पाठ्यक्रम न केवल शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बल्कि शारीरिक फिटनेस, चरित्र विकास और नेतृत्व गुणों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। This is the complete, if you can say, it's the Gurukul kind of the education system here, where we train, prepare and guide and mold the students for all round of development. And we have produced the large number of officers in the armed forces, and the school has equally produced the large number of officers in the civil services, good number of IAS IPS are posting in India. We have equal number of the students in the field of medical engineering. The Rafael, which have been brought to the India, the pilot was from our school, group captain Kataria, he was from our school. And so this student has not left any stone unturned to prove their worth of this school, what education, what ethics, what values they have learned in this campus of the Sainik School Tilaiya. 1963 में अपनी स्थापना के बाद से विद्यालय ने इस मिशन को कायम रखा है और कई महत्वाकांक्षी कैडेटों की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। School Tilaiya is very much famous for discipline and integrity, and these two things basically are the cornerstones of this school. हम सभी यहाँ पे हर एक तरीके से NDA के लिए मोटिवेट किए जाते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ जो भी है, पढ़ाई से लेकर PT से लेकर के मार्च ड्रिल, सभी चीज़ हम लोगों को उसके अग्रसर बढ़ाता है। Everyone studies in every school, but what differentiates us is the other things, the co-curricular of course. What I will devote it to the teachers and the seniors which have put in, we have not gone to any courses and any academies to learn basketballs and volleyball skills, but rather the seniors which have learned and which have imparted to us
The second part is the teachers, which have always been in the back of us, the initiatives which they have took so that we can go on to the upper places, right? We have been always restricted to the regional levels, but now with the initiatives of senior master sirs. Secondly, I would say the involvement which we have been getting over from the last passing seniors, that we have to bloody do it how, no matter how it is. Like, we have got one of the quotes here: study like anything, eat like anything, play like anything, and do nothing else. शुरुआती दिनों में इस विद्यालय में केवल लड़कों का दाखिला लिया जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। पिछले 3 वर्षों से यहाँ एक प्रगतिशील परिवर्तन ने जड़े जमा ली है। हर वर्ष सैनिक स्कूल की 10% सीट छात्राओं के लिए आरक्षित की जाती है। अपनी वर्दी में सजी धजी इन युवा लड़कियों को हर सुबह अपनी कक्षाओं की ओर उद्देश्य के साथ मार्च करते देखना काबिले तारीफ है। हमारे पास अब गर्ल कैडेट्स आई हैं, और गर्ल कैडेट्स अब हमारे पास तीसरे साल उनका है, तीसरे साल में 8th में आ गई हैं बच्चियां। तो जो मैंने एनालिसिस किया है और जो मैंने देखा है यहाँ पे, ये पाया है कि सबसे जो आजकल की जो लड़कियां हैं, ये लोगों ने भी कंधे से कंधा मिला के लड़कों के साथ, ये किसी से कम नहीं है। और इन्होंने जिस हिसाब से एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक की जो एक्टिविटीज़ जो बॉयज़ के लिए हैं, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और ये पूरा अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए, और वो दिन दूर नहीं है जब हम देखेंगे कि लड़कियां भी सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल की लड़कियाँ जो है वो NDA में अपना झंडा गाड़ेंगे और आगे बढ़ेंगी। भले ही ये इस शैक्षिक यात्रा में कुछ वक्त पहले ही शामिल हुए हों, लेकिन इनका प्रदर्शन शानदार है। कक्षा और मैदान दोनों स्थलों पर छात्राएं सहजता से शामिल हो गई हैं। यह शैक्षणिक कौशल और शारीरिक कौशल में अपने पुरुष समकक्षों से किसी भी तरह कमतर नहीं है। यह परिवर्तन वक्त के साथ न केवल लैंगिक बाधाओं को तोड़ रहा है, बल्कि समानता और समावेशिता के प्रति स्कूल की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जिससे इनकी दीवारों के भीतर एक उज्ज्वल और अधिक विविध भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। I joined this school to join National Defence Academy. This school not only prepares students for physically but also mentally. We all girls are a total 40 in strength in this school. There are many labs in this school, like physics lab, computer lab, biology lab, and here we not only do everything in our mind, we see everything practically. Our school has done everything for us. They make an environment in which we are trained physically and mentally. We prepare ourselves in this 7 years as a totally NDA cadet. This school is overall in everything, from academics to sports. In academics, they are library, chemistry labs, biology labs, computer labs, and everything. The teachers are very good in teaching, and the children also study very well. हम यहाँ हर चीज सीखते हैं। यहाँ हम academic और sports दोनों में आगे बढ़ते हैं। Sports में हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और academics में भी। Sports में हमारे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आगे नए स्कूल जाकर बहुत सारे मेडल जीत के आ रहे हैं, और एकेडमिक्स का तो कहना ही नहीं, एकेडमिक्स में बहुत सारी लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। और यह जान के बहुत खुशी होती है कि यहाँ ऐसा स्कूल मुझे आज तक कभी देखने को नहीं मिला। Recently, after adding the girls cadets in the Sainik schools, really the aim of the developed nation are going to be fulfilled, as we are now imparting trainings to boys and girls both. Just we have shown you our girls contingent. See, they are doing very good. Not only in NCC, recently our girls cadets have represented the central zone at Nalanda. There our cadets, girls cadet has also adjudged the best cadet in relay and individual athletics. इस विशाल परिसर के भीतर व्यवहारिक प्रयोगशालाओं की एक व्यवस्थित श्रृंखला मौजूद है, जो सीखने के अनुभव को समृद्ध करती है। भौतिकी प्रयोगशाला खोज के उत्साह से भरी रहती है, जिससे छात्रों को हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों का पता लगाने के व्यवहारिक अवसर मिलते रहते हैं।
रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में रंगीन प्रयोग जीवंत हो उठते हैं, जिससे युवा दिमागों को पदार्थ और प्रतिक्रियाओं के रहस्यों को समझने का मौका मिलता है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला अन्वेषण का एक केंद्र है। यह जीवन के जटिल जाल की एक झलक प्रदान करता है, प्राकृतिक दुनिया के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा देता है। इससे भी बेहतर है गणित प्रयोगशाला, जो समस्या समाधान के लिए एक स्वर्ग के रूप में कार्य करती है। भाषा प्रयोगशाला संचार की कला का पोषण करती है, भाषाई कौशल को निखारती है और साहित्य और अभिव्यक्ति की दुनिया के लिए नए दरवाजे खोल देती है। यहाँ का समृद्ध पुस्तकालय ज्ञान का खजाना है, जो दर्शनीय है। इसकी अलमारियाँ मानवीय समझ के स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली पुस्तकों से सुसज्जित है, जो छात्रों को खोज, कल्पना और ज्ञान की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करती है। हमारी लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो हमारा लाइब्रेरी जो है पूरी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र है, चाहे वो डिबेट हो, डिक्लेमिनेशन हो या स्पीच प्रिपरेशन हो, एनडीए एन ए एग्जामिनेशन से एसएसबी की प्रिपरेशन से संबंधित जितनी भी पठन पाठन सामग्री होती है वो सभी बच्चों को सिस्टमेटिकली प्रोवाइड कराई जाती है। कलेक्शंस की बात करें तो हमारे पास अराउंड मोर देन 17,000 का कलेक्शन है, जिसमें सीडीज, डीवीडीज और ई बुक्स भी अवेलेबल है। Our library is a very big collection of books. We have a very variety of books about from which we can get knowledge about NDA, NA exams. We have biographies, we have history books, we have murder mysteries, and we have many English novels also. और हम लोग को एक छोटा सा लाइब्रेरी कार्ड मिलता है, जिससे हम लोग अपने बुक्स को इशू करवा सकते हैं। और लिटरली बहुत ईजी है बुक्स इशू करवाना, क्योंकि हम लोग बस रजिस्टर में राइट डाउन कर देते हैं, हम लोग बुक्स का इन्फॉर्मेशन देते थे और जस्ट हम लोग का बुक इशू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कला कक्ष रचनात्मकता का खूबसूरत संदूक है। यहाँ कलात्मक छात्र रंगों, आकृतियों और रूपों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ हर रूप में कल्पना उड़ान भरती है। हमारे यहाँ पे बच्चे लोग सब आर्ट एंड क्राफ्ट का, हस्त शिल्प कला का, बच्चे लोग, बच्ची लोग, लड़की लोग भी यहाँ पे सब काम सीखते हैं। हम लोग बहुत सारा ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन में भी हमारा जो आर्ट को भेजते हैं कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल में भी भेजते हैं। फ्रॉम द वेस्टेज मटेरियल में कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे कोडरमा सहोदय में कंपटीशन में हम लोग योगदान किए थे, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट पोजीशन मिला था। यहाँ पे हम वेस्टेज मटेरियल से और जो डेली हम होम में यूज़ करते हैं या जो होम में यूज़ नहीं भी हो पाता है, हम उन सबसे क्राफ्ट के मटेरियल बनाते हैं जो हम डेली और डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ कर सके। जैसे कि वुड एप्पल बेल जिसे हम कहते हैं, उससे हमने पेन स्टैंड बनाया है, फ्लावर पॉट्स बनाए हैं। उसके बाद आपका कोकोनट सेल हो गया, कोकोनट सेल से भी हमने सम ऑफ दोज थिंग्स वी हैव मेड। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है फाइन आर्ट्स का और यहाँ पर बहुत सारे क्लब होते हैं और मैं एक क्लब भी ज्वाइन की हूँ फाइन आर्ट्स का, और वो मुझे बहुत इम्प्रूव करने में हेल्प भी किया है। जो हमारे क्राफ्ट और आर्ट के जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। सैनिक स्कूल तिलैया की शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ ज्ञान की खोज व्यवहारिकता के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ विज्ञान, कला और भाषाएं एक साथ मिलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार पूर्ण व्यक्तित्व को आकार देते हैं, जहां छात्र न केवल सीखते हैं बल्कि खोजते हैं, सृजन करते हैं और सपने देखते हैं। We have all academic facilities. We have the state of art computer labs. All classrooms of this school are e-classroom, where teacher used to teach the students. Whatever they teach, that is being converted into the slides and videos, so that even the students has some doubt that can be referred back, they can revisit it again at their own leisure time. यहाँ दाखिले के पश्चात छात्रों को 12 अलग-अलग हाउस में विभाजित किया जाता है।
ऐसा करना उनके शैक्षिक अनुभव का एक मूलभूत पहलू है। प्रत्येक छात्र का चयन इनमें से एक हाउस में होता है और यह आवंटन संस्थान के भीतर उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यह छात्रों के व्यक्तिगत विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक हाउस का हिस्सा होने से एक मजबूत बंधन विकसित होता है, क्योंकि वे समान लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करते हैं। एकता की यह भावना शैक्षणिक गतिविधियों से परे फैली हुई है और इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है, जिसमें उनके छात्रावास के कार्य भी शामिल हैं। शारीरिक प्रशिक्षण और फिटनेस कार्यक्रम प्रत्येक हाउस की ताकत और कमजोरियों के अनुरूप बनाए जाते हैं। यह अनुकूलन सुनिश्चित करता है कि छात्रों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो सके, जिससे वे अपने चुने हुए खेल या शारीरिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। चाहे वह खेल का मैदान हो, जिम हो या ट्रैक हो, छात्रों को गर्व के साथ अपने हाउस का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल की भावना पैदा होती है। छात्रों का 12 सदनों में विभाजन उनकी शैक्षिक यात्रा का एक अभिन्न अंग है। Their houses are different. Rani Lakshmi Bhai house is there for the girls cadets and these 12 houses for the boys cadets. And they have been divided into, like the names are Magad House and Gautam House, Aryabhat House and Vikram House, Kumar Singh House, Vaisali House, Patliputra House and Maurya House, Mithila House, Rajgir House, Nalanda House and Ashoka House. These are the houses in our school. They are to develop the competition among themselves. This has been divided and the different sports activities are being organized. सैनिक स्कूल तिलहिया वास्तव में अनुशासन और अच्छे व्यवहार के सार का प्रतीक है और यह लोकाचार इनके छात्रावास जीवन तक फैला हुआ है। छात्रावास जीवन की देखरेख समर्पित वार्डन द्वारा की जाती है, जो छात्रों का कल्याण, भलाई एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल अभिभावकों के रूप में बल्कि संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। Hostel, we have 12 houses. Each house has one warden and one hostel superintendent, combined with two house masters. Our routine is very rigorous, as I told earlier. We wake up at 5 o'clock, and then we have our PT in ground, Colonel Gaddick Stadium. We have our PT for half an hour, then after we come back, we take bath, fresh up, and we go for breakfast in our dress. After breakfast, we have our classes from 8:30. From 8 to 8:30, we have our assembly. And 1:30 we go to have our lunch. After lunch we have our leisure period till 3:30 or 4 o'clock, depending upon whether it is summer or winter. Then we have our games period. 2 hours of preparatory classes we have in the same academic block. After that we go for dinner. After that we come back and we have our self-study classes till 10 o'clock. After that, lights out. अगर किसी बच्चे की भी किसी गर्ल्स कैडेट की तबीयत ख़राब होती है, फिर मैं इनको लेकर एमआई रूम जाती हूँ। वहाँ मेडिसिन मिलवा कर वापस लेकर आती हूँ। इनका मेडिसिन चेक करना होता है, खा रही हैं या नहीं खा रही हैं, सामने मेडिसिन भी खिलवाती हूँ। हमारे एक हाउस में एवरेज 50 के लगभग हमारे कैडेट्स हैं। साथ में हमारे साथ में काम करते हैं हमारे कलीग्स हैं, जिसमें मॉर्निंग में हम लोग आते हैं। बच्चों का हमारा मॉर्निंग एक्टिविटीज़ जो बच्चों का शुरू होता है, मॉर्निंग 5 बजे 4 बजे से शुरू हो जाता है। बच्चों को हम लोग सबसे पहले आकर उठाते हैं, उठाकर उनको पीटी ग्राउंड में भेजते हैं। पीटी करवाने के बाद 6:30 में वापस हम लोग बच्चे को हॉस्टल में लाकर 7:15 में 7:15 में ये चले जाते हैं मेस में, ब्रेकफास्ट में। और 8 बजे तक ये पूरे हॉस्टल ये बच्चे छोड़कर ये एकेडमिक ब्लॉक चले जाते हैं। सैनिक स्कूल तिलैया में मेस सुविधाएं वास्तव में हर तरह से परिपूर्ण है। इन छात्रों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेन्यू को सोच समझकर तैयार किया गया है। यहाँ छात्रों को प्रतिदिन एक संतुलित आहार दिया जाता है, जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को ऊर्जा प्रदान करता है।
यहाँ निर्मित भोजन कक्ष में 850 बच्चों के बैठने की सुविधा है। मैं सुविधाओं में लड़कियों के लिए समर्पित एक अलग अनुभाग है। सैनिक स्कूल तिलैया का छात्रावास और मेस जीवन शिक्षा के प्रति संस्थान के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। विभिन्न सुविधाओं के साथ स्कूल की संबद्धता और शारीरिक प्रशिक्षण पर इसका समर्पण एनडीए के लिए कैडेट्स को तैयार करने के इसके मिशन का केंद्र है। मार्च पास्ट इस कठोर प्रशिक्षण का एक और महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल टीम वर्क और सटीकता को विकसित करता है बल्कि इनमें गर्व और एकता की भावना भी पैदा करता है। Our cadets has represented the Republic Day parades at New Delhi numerous times. And in fact, the total of the vacancy allotted to the Bihar and Jharkhand directorates, majority vacancy has been occupied by the cadets of Sainik School Tilaiya. And we are proud of our cadets. They are doing very good at all national and state level camps. The cadets had recently in this year also, 26 Jan 2023, one of the cadets had represented the RDC in New Delhi and adjudged as the best cadet over there. बास्केटबॉल और हॉकी से लेकर फुटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल तक खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति स्कूल की प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि कैडेट विविध एथलेटिक कौशल विकसित करें। घुड़सवारी और तैराकी शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त आयाम है। शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए अनुभवी प्रशिक्षकों की उपस्थिति सर्वोपरि है। ये सलाहकार कैडेटों को विशेषज्ञता के साथ मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करते हैं। यहाँ बच्चों के लिए फिजिकल इसलिए कराया जाता है कि जो फिजिकल कंपोनेंट्स है 5 स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, इसको इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पे बच्चों को पीटी कराते हैं। पूरे आर्मी में एक ही फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए हमें APTC वालों को हर सेंटर में या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में डिटेल किया जाता है। बच्चों को हमेशा गाइड करता हूँ कि स्विमिंग अच्छा सीखो, जिसमें जहाँ भी जाओ कम से कम ये रहे कि डूब ना पाओ और किसी को बचाओ। ये सबसे बड़ा थिंकिंग होना चाहिए इंसान में। और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं, जिसके वजह से इंडिया में बहुत अच्छा कवर करते हैं स्विमिंग में। स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि खेल कूद में भी हम लोग को सपोर्ट करता है, और इससे हम लोग को मानसिक के साथ साथ शारीरिक में भी मदद करता है। यहाँ मौजूद स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ सुसज्जित है। यह छात्र छात्राओं को वहाँ रहने के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी चोट या बीमारी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है। सैनिक स्कूल तिलैया का MI रूम 13 बिस्तरों वाला एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसमें कि मुख्यतः बच्चों को कॉमन डिजीज़ के लिए हम एडमिट और उनको OPD सेवाएं देते हैं। सैनिक स्कूल में शाम 6:30 से 8:30 बजे तक का स्वाध्ययन सत्र छात्रों की शैक्षणिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सत्र उनकी कक्षाओं के परिचित दायरे में होते हैं, जो केंद्रित शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। इस दौरान शिक्षकों की उपस्थिति एक मूल्यवान संसाधन है, जो यह सुनिश्चित करती है कि छात्रों को संदेह दूर करने और आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। 2 आवर का टाइम मिलता है, जिसमें हम अपना रिवीजन करते हैं, जो भी क्लास में पढ़ाई होता है वो, और फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा वर्क होता है जैसे करंट अफेयर्स और जो भी दूसरे थिंग्स होते हैं वो हम अभी इसी टाइम में करते हैं। Here all the cadets sit and the teachers are available to guide them in almost 1 or 2 teachers of every subject are available daily and they guide them whatever doubt they have. So this is the very beneficial hour for us, as here we complete our all the homeworks that we have been given in our by the our teachers and by the our mates, and some juniors are also here. They who are all are asking questions and doubts from their seniors, and the seniors who all are present there of class 10 or class 11, they are just solving their doubts and all the questions. I am teaching them physics, and now the boys are reading. They will continue up to 8:30 p.m.
and they will read themselves, and so many teachers are there from different subjects. They will clear their doubts if they have some doubts. So they can ask to me or to any subject teacher which is related to their subjects. सैनिक स्कूल तिलैया ने लगातार उत्कृष्टता की विरासत तैयार की है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे कैडेट मिले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में अपनी अलग पहचान बनाई है। हालांकि इसका प्रभाव सैन्य क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ है, क्योंकि इसके स्नातकों ने कई व्यवसायों में कदम रखा है, विभिन्न क्षेत्रों में महानता और प्रशंसा हासिल की है। यहाँ मौजूद पूर्व छात्रों का नेटवर्क इन दीवारों के भीतर बने स्थायी संबंधों का प्रमाण है। मेन मोटो ऑफ स्कूल टू प्रिपेयर कैडेट्स नाउ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी, दैट इज आवर प्राइमरी एम। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आवर एक्स स्टूडेंट्स हु कुड नॉट मेक इट टू द एनडीए, दे हैव बीन डूइंग वंडर्स एट द सिविल लेवल इन डिफरेंट फील्ड्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फिल्म, फैशन। वी हैव मिस्टर प्रकाश झा हु इज अ फेमस डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम आवर स्कूल, lot of social worker, lot of people who are abroad who are part of our alumni. Administrative block right beside the main office, we have a war memorial. That war memorial is meant for all those officers and jawans who have made supreme sacrifices for the country. And we have 14 murals out there. Out of that, 13 are of officers and one OR. They have those who have passed out from this very school. बीते 60 वर्षों में सैनिक स्कूल तिलैया ने देश को कई आर्मी ऑफिसर्स दिए हैं जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ देश की रक्षा की है, और कई ऐसे भी रहे हैं जो इस दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। जिस स्थान पर फिलहाल हम मौजूद हैं, यहाँ उन्हीं के याद में शहीद स्मारक बनाया गया है, ताकि यहाँ के जो कैडेट्स हैं वो इनकी बलिदान की कहानियों से प्रेरित होते रहें। सैनिक स्कूल तिलैया के गलियारे और कक्षाओं के भीतर दीवारें महान हस्तियों के प्रेरणादायक शब्दों से सजी हुई है। ये शब्द उन ऊंचाइयों की निरंतर याद दिलाते हैं जिन्हें दृढ़ता, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। यह एक ऐसा वातावरण है जो छात्रों को बड़े सपने देखने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह विद्यालय सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, अपितु इससे कहीं अधिक है। यहाँ छात्र एक समग्र परिवर्तन से गुजरते हैं। यहाँ नेतृत्व, टीम वर्क और सत्यनिष्ठा का सार सीखते हैं। कठोर प्रशिक्षण और उत्कृष्टता की खोज के साझा अनुभवों के आधार पर ऐसा बंधन बनाते हैं जो जीवन भर चलता है। यह एक ऐसी संस्था है जो न केवल बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि उस अदम्य भावना के विकास को भी बढ़ावा देती है जो सच्चे अधिकारियों को परिभाषित करती है। सैनिक स्कूल तिलैया वास्तव में एक अभयारण्य है जहाँ सपने उड़ान भरते हैं और छात्र ताकत, साहस और ज्ञान के अवतार के रूप में उभरते हैं। अनुशासन ही उद्देश्य और उपलब्धि का सेतु है। सैनिक स्कूल तिलैया में न केवल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें इस प्रकार से कम उम्र से ही अनुशासित बनाया जाता है कि आने वाले वक्त में वो किसी भी प्रकार की चुनौती को भेद सकें। इसके साथ ही जिस प्रकार से पिछले 60 वर्षों में सैनिक स्कूल तिलैया ने अलग अलग उद्देश्य को और अलग अलग अचीवमेंट्स को हासिल किया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से यहाँ काम हो रहा है, जिस प्रकार से बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जा रही है, आने वाले वक्त में इस विद्यालय का भविष्य और सुनहरा है।